उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी और ओम प्रकाश राजभर की सपा के बीच नाम भर का बस गठबंधन रह गया है। जी हाँ, क्योंकि अब दोनों के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। गठबंधन में होते हुए भी सपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव के खिलाफ खुलकर बैटिंग शुरू कर दी है। वहीं सुहेलदेव भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर के गुरुवार को अपने साथी दल समाजवादी पार्टी पर मुस्लिम समाज को भारतीय जनता पार्टी का दल दिखाकर उनका वोट लेने और उसे उसका हक नहीं देने का आरोप लगाया है। जी हाँ, समाजवादी पार्टी ने कथित तौर पर नाराज बताए जा रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर ने गुरुवार को कहा, सपा मुस्लिम समाज को भाजपा का दल दिखाकर उनसे वोट लेती है, मगर जब मुस्लिम समाज को हक देने का समय आता है तो वह मुंह मोड़ लेती है। उन्होंने सवाल किया, सपा प्रमुख अखिलेश यादव की वर्ष 2012 से 2017 के बीच रही सरकार में पुलिस विभाग में भर्ती हुई थी, उसमें मुस्लिम समाज को उनकी हिस्सेदारी के लिहाज सिर्फ और सिर्फ 20% नौकरियां ही मिलनी चाहिए थी। फिर क्या सपा के नेता स्पष्ट करेंगे कि कितने फीसद मुस्लिम युवकों को पुलिस में नौकरी मिलनी चाहिए, ये तो वक्त ही बताएगा। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।